9769 438 1 या 3 1 1 438 21 9769 3821 9769 यही है ना मनसी का नंबर? हाँ ना, ये नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया? Don't be so innocent. तुम्हारा हस्बैंड मेरा भाई है, उससे जो चाहे जब चाहे मांग सकता हूँ, नंबर भी मांग लिया। अरे तुम तो टेंशन में आ गई यार। What happened? मैंने नंबर नहीं मांगा था, भाई ने मुझे खुद नंबर दिया और बोला कि मानसी को कॉल करो और कॉल करके कहो कि हम सारी फैमिली के साथ तुम्हारे घर खाना खाने आ रहे हैं। लेकिन मैंने मना कर दिया। I said no, मैं नहीं करूँगा कॉल, जो करना है आप खुद करो। फिर ब्रू ने पता है क्या कहा? प्रणव, तुम तो हमारी फैमिली का इंटीग्रल पार्ट हो, तुम्हारा तो हक बनता है कि तुम मानसी को कॉल करो। अरे इतना गुस्सा, रिलैक्स, ये मेरा प्लान नहीं है, भाई का प्लान है। आई डोंट नो व्हाई उसको तुम्हारी चौल की गंदी सी लाइफस्टाइल ना बहुत पसंद आने लग गई है, इसीलिए वो वहाँ जाना भी चाहता है और मन्नू मानसी के हाथ का खाना भी खाना चाहता है। अभी आएगा वो 5 मिनट में, अनाउंसमेंट करेगा। एंड यू नो इट्स सो वेल कि उसकी बात पे इस घर में कोई नहीं डाल सकता ना। क्या हुआ? अच्छा लिसन लिसन, मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं मानसी से दूर रहूँ। दूर रहना, तुम उससे दूर ही रहना, समझे? बट सिचुएशंस ही ऐसी हैं, मैं क्या करूँ कि मुझे उससे मिलना भी पड़ेगा और नज़र उठा के देखना भी पड़ेगा। यू नो आई कांट हेल्प इट। और अगर मेरी नीयत बिगड़ गई ना। शट अप ना, वो बंद रखो, समझे? Let's see how you handle this, Ankita. मेरी प्यारी वहिनी। नरेन सर कहाँ चले? अंकिता किसे ढूंढ रही हो? मॉम वो मैं नरेन सर को ढूंढ रही थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर ये कान सर कान। हाँ मैं तुम्हारे लिए तो लाया हूँ सर। मैं लगा लूँगा। हिलो मत, हिलो मत। थैंक यू सर। सर मुझे आपसे कुछ पहले बताओ कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा? याद है तुम्हें? सर मुझे आपसे कुछ बात करनी। पिक अप माय फेवरेट कलर। येलो। तुम्हें याद है? यस, तुम्हें याद है। थैंक यू सर। एक सरप्राइज है सबके लिए। आओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉम, दिस वन्स फॉर यू। ओह थैंक यू सर। डैड, या। थैंक यू। टिल ब्रो। प्लान याद है ना? क्या प्लान? मॉम, आज हम सब आहाना के घर जा रहे हैं। नहीं, आज संडे है। तुम दोनों जाओ। मॉम मॉम प्लीज नो एक्सक्यूजेस। आज संडे है तभी तो बोल रहा हूँ। ना ऑफिस जाना है ना कोई काम है, इसलिए चलेंगे आना के घर। वहाँ पे एक बहुत सही कंपटीशन। कैसा कंपटीशन? कुकिंग कंपटीशन, आहाना और मानसी के बीच। और आप देखना आहाना ही जीतेगी। यो ब्रो वॉच आउट। चलो जल्दी रेडी हो जाओ। सर आज नहीं जाते हैं। आज नहीं? क्यों नहीं? वो दरअसल आज हम लोग अभी तो आए मॉम, तो अब जाने का क्या मतलब है, कल ही तो आए। अरे तू क्या हुआ यार, हमारा ही तो घर है, कभी भी जा सकते हैं हम। जाके उनको सरप्राइज करेंगे ना सबको। आज नहीं जाना। नहीं नहीं प्लीज आज ही चलेंगे। मॉम आप रेडी हो जाओ। डैड प्लीज गेट रेडी। मॉम प्लीज गेट रेडी। ओके प्लीज जल्दी चले। वॉच इट, वी विल सी लिटिल ब्रो। एक मिनट को आना, आज संडे है ना? हाँ सर। मतलब कल मंडे है। यस। अरे आना, तुम्हें तो मुझे याद कराना चाहिए था, सोनू और प्रणव का यूनिट टेस्ट है मंडे को। और हाँ सब वो दोनों ने हेल्प कर रहे होंगे ना, मानसी और प्रशांत जी। तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मॉम डैड, आज का प्लान कैंसिल। बच्चों का यूनिट टेस्ट है मंडे को। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। पहले पढ़ाई, बाकी सब काम बाद में। ब्रो नेक्स्ट टाइम ओके। आना मुझे बताया तुम ही जीतोगी। चलो बच्चों को विश कर देते हैं। लव यू पूर्वी, आई लव यू पूर्वी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चाहता तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता था, नहीं बढ़ा, क्योंकि आज भी तुमसे प्यार करता हूं। इस पूर्वी देशमुख पिछले 20 सालों से तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में मैंने सोचा तक नहीं, तब भी और आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। ओवी ने पिछले 20 सालों से मेरा साथ दिया, मुझे संभाला। उन 20 सालों में जब तुम मेरे साथ नहीं, अर्जुन ने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। तुम्हें इतना इग्नोर कर रहा है, पर तुम फिर भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो। पूर्वी, मेरी मानो तो जल्द से जल्द कनाडा चली जाओ। यहाँ जितना रहोगी उतना हर्ट होती रहोगी। तू उस आदमी से मिली, तूने उसके साथ रहने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। वो तो आज ही अगर मुझे नहीं बताती तो आई तेरी गृहस्थी, तेरा प्यार, तेरा रिश्ता, इस सब में मैं कहीं नहीं आती ना। कुछ तो था तेरे दरमियां। अरे किसी के साथ कुछ मैच ही नहीं कर रहा यहाँ पे। सब सर ये क्या कोई टाई नहीं मिल रही है, इसके साथ मैच कर सकते। सर 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 आप नहीं, ऊपर सब नहीं चाहिए। सर क्या कर रहे हैं आप? ये सब भी मैच नहीं कर रहा ना, प्लीज हेल्प मी ना। क्या हेल्प मी सर? सर क्या किसके साथ मैच नहीं कर रहा है? थैंक यू फॉर द ऑरेंज जूस, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है स्टेट इलेक्शन के बाद सेंसेक्स इतना बढ़ गया, वी नीड टू इन्वेस्ट मोर। और एक तो मेरा आईपैड नहीं मिल रहा है। ओह यार थैंक यू सर। ये देखिए, ये देखिए, ये कोट के साथ ये टाई कितनी अच्छी लग रही है ना ये। हाँ पर ये मैचिंग कहाँ है? सर मैच तो कर रहा है। अरे तुम्हारे कपड़ों से कहाँ मैच कर रही है? सर मुझे टाई नहीं पहननी है। हाँ ना, अब हमारी शादी हो गई है, हमें मैचिंग कपड़े पहन के जाना चाहिए ऑफिस। तुम समझ नहीं रही हो, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली तुम टेंशन मत लो, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना आई विल हेल्प यू सॉल्व इट, इसलिए टोटली डोंट वरी। और वैसे भी जब हम दोनों साथ में होते हैं देन एवरीथिंग गोज स्मूथ। ओके सर। सर आप एक काम कीजिए, आपको जो पहना है वो पहन लीजिए, मैं आपके हिसाब से कपड़े पहन लूंगी, ठीक है? हाँ गुड आइडिया। तो आई विल दिस, नो प्रॉब्लम। सर इसके ऊपर थोड़ी ना आप पहन सकते हैं, चेंज कर लीजिए, नहा लीजिए, फिर आराम से पहन लीजिए। ठीक है चाहती हूँ। अरे हाँ ना, एक मिनट, मेरा स्वेटर का धागा निकल रहा है। ओह नो, एक मिनट इधर आओ। सर एक सेकंड, मैं करती हूँ। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट सुनो। सर मैं कर रही हूँ, सर मुझे करने दीजिए प्लीज। ओके करो। काटूं सर? हाँ months, I know, अलार्म बज जाएगा। सॉरी, मैं तैयार होता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। छोड़ ना साला बेवड़ा, तू झूठा, तेरी वो बेटी झूठी। तुम लोग क्या उनको मामू बनाने के लिए पैदा हुआ है? 70 दिन में 70,000 रुपए लौटाऊंगी, क्या है तेरी बेटी? और तू क्या बहुत बोल बचन कर रहा था ना, मेरी बेटी की शादी बड़े घर में हुई है, हाँ यूँ दूंगा तेरा पैसा यूँ। अरे 70,000 के ऊपर तूने 1,00,000 रुपए अलग से लिया है, देगा कब? अरे धीरे बात कर, कलर छोड़, हम अमीर आदमी हो गया, हमारी इज्जत है, पता है यहाँ जानते सब हमरे को, दे देंगे थोड़ा पैसा का है? अभी अपन को पैसा मांगता है, मतलब मांगता है। अरे अभी कहाँ से नहीं हम, अपन को तेरे ऊपर एक पैसे का विश्वास नहीं, समझा क्या? अरे तो हमरे को क्या जादूगर समझ रखा, जो ऐसा छड़ी घुमाएंगे पैसा पैसा गिरेगा बात करता है। तू नहीं देगा, तेरी वो अमीर जारी बेटी देगी। हाँ देगी ना, देगी हमरे भाई, देगी देगी, पहले आए तो देगी, दोबारा आएगी देगी ना, कालर छोड़ देगी। अब नहीं, आप भी मांगता है ऐसा ना, मैं अभी कहाँ से ला? उनको मालूम है वो नरेन कर मार कर कहाँ रहता है, समझा क्या? लेकर दे अभी, चाल काला काला तो छोड़ सब क्या, दमाग का घर आ गया, छोड़ छोड़ दमाग का घर आ गया। अरे तेरी इज्जत की जो तेल लेने गई तेरी इज्जत, आप उनको अपना पैसा मांगता है। ए कौन हो तुम लोग और ये क्या तमाशा लगा रखा है? घड़ा करने के लिए बकलोल लेता क्या? ए बकलोल आवाज नीचे रख, ये दोस्त है हमारा, बात नहीं कर सकते क्या ऊंची में इसे? है बात कर रहा था, चल दरवाजा खोल, अंदर जाने का। ओ कोई गार्डन नहीं है, करमरकर का बंगलो है ये, तो हम भी कोनो ऐसे वैसे नहीं है। तोरी अंकिता मैडम को जानता है ना? जानता है कि नहीं जानता है कि बाप है हम? मनसक है। माफ कीजिए सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है ठीक है, ऐसन भी तुम जैसा छोटा लोग हम जैसे बड़े लोगों को पहचानने में भूल कर ही दे। अरे अभी जाए हमको। ओ भाई साहब आप कहाँ? ए राघव, ए बकलो पागल है क्या तू? पागल है? अरे अंकिता का काका है वो, हाँ थोड़ा गरीब है लेकिन दया कर ना, जाए दे जाए दे, कुछ जाए दे, आजा चल। काका बाप सब। विशाली इट्स नॉट फेयर, ओके? इतनी शॉर्ट नोटिस में तुमने अपने बेटे की शादी करवा ली और हम लोग अटेंड ही नहीं कर पाए। आई नो सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना, आधे लोग तो गेस्ट लिस्ट पे रह ही गए, बट आई प्रॉमिस यू आई विल थ्रो यू अ ग्रैंड पार्टी रियली। हाँ ये देख हमारी बिटिया रानी का आलीशान घर। अगर अपन का पैसा नहीं मिलाना राघो तो तू क्या? अरे मिल जाएगा तेरे को तेरा पैसा, इज्जत से बात कर। हमारा दामाद करोड़पति है। तेरा दामाद करोड़पति या रोड़पति अपन को फर्क नहीं पड़ता, अपन को अपना रोकड़ा मांगता है बस। अरे मिल, तू यहीं रुक ठीक है, हम बात कर। जयराम जी की समझन जी। अरे लड़के कहाँ है उनका पैसा? आप एक मिनट इधर आइए। अरे ऐसे क्या घूर रही है? वो दिन अपन के अड्डे पर आकर तो बड़ा ठोक बजा कर बोल रही थी तेरा पैसा मैं दूंगी, क्या हुआ? अभी एक पाई नहीं दिए तूने। ठीक है तू बोला था शांत रह, शांत रह तू, शांत रह। ये तेरे बेड़े बाप ने एक मिनट इधर आइए, आप मेरे साथ आइए। पैसे देखो निकाल, हां पैसा नहीं है तेरे पास? एक तो काम करना, ये दे दे, ये ले जाते हम, ठीक है दे दे तू, रुक। देखा मैंने कहा था ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है, ऐसी सब शादियों में डील हुआ करती है, इस हाथ ले और उस हाथ दे। आई एम श्योर नरेन को इसी लड़की ने फंसाया होगा। अपन को कोई बात बात नहीं करनी है, अपन को अपना रोकड़ा चाहिए बस। कितने पैसे आप देंगी? अमाउंट बोलो। अमाउंट बोले तो पूरा 1,70,000 रुपया। पार महेश है उससे 2 लाख ले लो। 1,70,000 आपकी उधारी की और 30,000 अपना मुंह बंद रखने की। गॉट इट? चल थैंक बोल, तेरे को नहीं आते ना अंग्रेजी, भरी भरी थैंक यू समझन। अरे वाह बेटा, का कमाल की औरत है, फट से पैसे निकाले हमारा पूछ उतार दिया। धन्य बेटा धन्य, तो सुखी है ना? ठीक है हम जाते, ठीक है। अंकिता माता की जय, अंकिता माता की जय। एक मिनट, आप यहाँ तक आ गए? तुम वही हो ना जिन्हें पकड़ा था मैंने? यहाँ क्या चुराने आए हो? एक मिनट, क्या चुराने आए हो यहाँ पे? आना अभी पुलिस बुलाओ, अभी बुलाओ और इनको। नहीं नहीं नहीं, ये क्या काका है, अंकिता के काका है, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना तो याद आ रही है ना, मिलाने लाए हैं इनको। आना तुमने बताया नहीं बाबा। आप आइए ना प्लीज, आपका धंधा फूले फले, बोले तो शटर खोलते ही 500 का बोनी हो, और आपका गले में हमेशा नोट भरा रहे। वाओ, व्हाट अ यूनिक ब्लेसिंग। आप आइए अंकल प्लीज। नहीं नहीं नहीं, उनका बहुत धंधा अभी शुरुआत नहीं हुआ है। हाँ, बाद में फिर कभी आएंगे, ठीक है? श्योर ना? हाँ हाँ हाँ, पक्का आएंगे। अच्छा, धन्यवाद। ओके बेटा, बाय। काका की क्या पर्सनालिटी है, एकदम बोले तो मुन्ना भाई स्टाइल। नाइस, आई लाइक हिम। चले ऑफिस चलेगा। चलो ऐसी सब शादियों में डील हुआ करती है, इस हाथ ले और उस हाथ दे। आई एम श्योर नरेन को इसी लड़की ने फंसाया हो। आना, तुम रो क्यों रही हो? क्या ड्राइवर, गाड़ी रोको, इधर राइट में रोको प्लीज। तुम जाओ, पानी लेके आओ मेरे लिए प्लीज। आना, तुम रो क्यों रही हो? एक स्वेटर ही तो था, फट गया तो फट गया, कोई बात नहीं, नया आ जाएगा ना। तुम स्वेटर के लिए रो रही हो ना? तुम उसी के लिए रो रही हो ना? नहीं, ओ अच्छा, वो आना, मैंने कहा तो था 6 months, अलार्म बज जाएगा ना। मैं खुद ही तो रुक गया था, उसके लिए भी नहीं रो रही। समझ गया, ये मैच नहीं हुए ना कपड़े, इसलिए मैंने तुम्हें कहा भी था। देखो मैं टाई लेके आया हूँ, टाई पहन लूँ सेम, ये येलो कलर मैच कर जाएगा। देखो ये देखो। No, तो आना एक्चुअली अब मैं पता क्या करूँगा, अब तुम जो भी पहनोगी ना मैं वही कपड़े पहनूंगा। पैसा, इतना सारा पैसा। जय अंकिता माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। पूरे घर की आरती उतारेंगे इसे, पूरा घर पैसा पैसा हो जाएगा। जय अंकिता माता, 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 जय अंकिता। अरे तोड़ दे पूरा घर, तोड़ दे। 6 महल और बनाएंगे। इले बना ले। अंकिता माता, अंकिता माता, अंकिता माता। बाबा, आपको शर्म है भी या नहीं? हाँ, तो आपने सारी हदें पार कर दी। आपने अपनी बेटी के ससुराल वालों से जाके पैसे मांगे, इतनी बेइज्जती भी शर्म नहीं आई ना आपको? हम सबकी तो वैसे भी आपको परवाह नहीं है, कम से कम ताई की तो चिंता की होती, उसे उस घर में रहना है। बाबा, पता नहीं वो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। आपने ठीक नहीं किया उसे पैसे मांगकर। अरे मांगे नहीं है, हक लाए। हक 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 है आपका? कौन से हक की बात कर रहे हैं आप? वो खानदान के पास बहुत पैसा है, वो पैसे के समंदर से हम बाल्टी भर के ले आए, बस थोड़े से पैसे। तू अपनी औकात नहीं छोड़ेगा ना? अरे ससुरे, पता उसका हुआ रुशाली जी ने सामने रख दी 1 साथ 2 लाख रुपए सेठ। उस सेठ की आगे 4 फटी रह गई। कहने लगा आज हमारी तरफ से दारू मुफ्त, अभी भेजा लगा 3-4 बोतल बिलाई थी दारू की। आप कभी नहीं सुधर सकते ना बाबा, ताई इतनी परेशान है। अरे कौन परेशान नहीं है, तेरी ताई बहुत ज्यादा सुखी है, इतना पैसा उसके पास। तू भी अपनी ताई की तरह कुछ सीख, अच्छे आदमी से शादी कर, बहुत पैसा ला, बहुत लक्ष्मी आएगी। उसके बाद तू भी जय मानसी माता, 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 जय मानसी माता। Okay, this is looking good. Come with me. I have some work. मैं काम करना, मिस्टर बख्शी का फोन था, उनकी जितनी भी फाइल्स हैं सारी की सारी सॉर्ट आउट करके उन्हें मेल कर दो। Yes, sure. Okay. इनके लिए ये सब करते हुए लाइकिंग इट। बस 2 महीने और, उसके बाद ये सब उसे अकेले संभालना पड़ेगा। क्यों सर, आप कहीं जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ 2 महीने बाद, एक लंबी छुट्टी पे जा रहा हूँ। आई डोंट नो कि मैं वापस आऊँगा या नहीं, कब तक वापस आऊँगा। और आई होप कि ये ऑफिस तुम अच्छे से संभालो। एंड अब देखिए बाकी का काम हुआ है। जी सर। Welcome, Naren. Come on in. Congratulations. Really happy. Congratulations to you too, Ankita. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. And I'm sorry to both of you कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका. Out of town था और काम बहुत ज़्यादा था. It's okay, sir. आपकी blessings हमारे साथ है और बस इतना ही काफी. और अंकिता, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी भी कोई भी ज़रूरत हो, please feel free to just ask me. तुम इस फैमिली का हिस्सा. Welcome to the family. Right, Naren? You take care of her. Have a happy married life. God bless both of you. Thank you, sir. Go ahead. Enjoy yourself.